माई डियर क्रिकेटर्स, आज मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए आया हूँ। आज का टॉपिक ना बिल्कुल अलग है यार, इतना अलग है। अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया, सुन लिया, पूरा देख लिया ना, तो ये कैसी कहानी है कि आप अगर रिलेट कर गए ना तो आपकी कहानी बन जाएगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर पे बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करूँगा, ताकि आप जितने भी लेफ्ट आर्म स्पिनर देख रहे हैं जो ऊपर लेवल की क्रिकेट खेल सकें, कैसे तैयारियां करनी है, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से आप अपने आप को शो ऑफ करवा सकते हैं कि आप क्वालिटी वाइज कितने अच्छे हो रहे, आप कैसे बनेंगे। तो गाइस, सबसे पहले की बात कहूँगा, जितने भी बच्चे मेरे चैनल पे आए हैं ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि आप कोचिंग के टच में रहें। आपको हर तरह की वीडियो जो आप रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं बॉलिंग के अंदर, वो आपको मिलती रहे, और यही मेरा मोटिव है, और आप सीखते रहें। तो गाइस, ज़रा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो लड़का है ना, लेफ्ट आर्म स्पिनर सुभाष यादव है, मतलब इसने ना इम्प्रूव किया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दो साल में, एक साल में जो इम्प्रूवमेंट थी वो ठीक हुई है, मेरे हिसाब से। मैं ठीक कहूँगा, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कहूँगा, और मतलब इसने काम भी ठीक किया जैसा हम करा रहे हैं। और जिसे कहते ना, मैं जैसे उम्मीद थी कि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उसके लिए ना आपका वर्क एथिक है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे काम कर रहे हैं ना, आप उसको रेगुलर कीजिए, डे बाई डे इंक्रीज़ कीजिए, उसकी पेस को इंक्रीज़ कीजिए, अपने टाइम को इंक्रीज़ कीजिए, अपने मेंटल लेवल को आप तैयार कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ कर पाएँ, तभी ना आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्वालिटी तक पहुँचते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जब क्वालिटी होती है यार, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आप अलग होंगे ना, आप हज़ार में अलग दिखेंगे या, तो यार कौन रोकेगा आपको, आपने यूनिक प्रोडक्ट हो जाएंगे। और यूनिक प्रोडक्ट ना कोई भी लेना चाहेगा, कोई भी सिलेक्टर लेना चाहेगा, कोई भी फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, कोई भी टीम आपको खिलाना चाहेगी, क्योंकि आपके अंदर वो पता क्या चीज़ देख रहे हैं कि यार ये अलग है, ये मैच जिताएगा, और मैच विनर को कौन रोक सकता है। और ये लड़का कुछ ना कुछ फील्डिंग में एक्स्ट्रा कर देगा, मतलब यार एक कंप्लीट जैकपॉट है किसी भी टीम के लिए। अगर आप इस प्लेयर की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के जो होते हैं, जो बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, जरा ये वीडियो देखना, बड़ी काम आने वाली। इसने अलाइनमेंट पर काम किया, उससे एक्यूरेसी बढ़ गई, टप्पा कंट्रोल में आने लग गया, पहले से ज़्यादा चीज़ें ठीक हुई। बट ना क्या होता है कि यार हमें ना सेटिस्फाई नहीं होना एज ए बॉलर कि हाँ भाई ठीक है, चार लोगों ने तारीफ़ कर दी और दो चार विकेट मिल रहे हैं, हाँ तो हम, अरे यार ठीक हो रहा है यार। अगर जहाँ ये आ गया ना, आप सेटिस्फाई हो गए अपनी परफॉर्मेंस से, तो वहीं समझ लेना आपका काम रुक गया है। आपको टाइम नहीं लगेगा, पीछे कब हो गए, जो लड़के आपसे ज़्यादा भी मेहनत कर रहे हैं वो आपसे ऊपर दिखेंगे कुछ टाइम बाद, जो जिनको कोई अभी जानता नहीं। तो यार आप ये सोचो ना, आप इंडिया खेलना चाहते हो तो इंडियन प्लेयर बनने के लिए कितनी मेहनत होती है, ज़रा सोचो, ज़रा बड़े सीनियर प्लेयर से पूछो, कोचिस से पूछो कि यार अगर आपके पास ठीक ठाक टप्पा आ गया है, आपका रिदम अच्छा है, आपका एक्शन है, सब कुछ है, लेकिन आप सोचो ना, अब इसके अंदर और ज़्यादा क्वालिटी, और ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसी डाली जाए, बॉल के अंदर और ज़्यादा रेवोल्यूशंस कैसे आएँ, बैट्समैन अच्छे से अच्छे बैट्समैन डिसीव हो जाएं, बॉल के अंदर साउंड कैसा आए कि इस तरह की बॉलिंग डालूं जैसे कोई डाल नहीं रहा है। एम्पायर आपके पास खड़ा है ना, जब बॉल डाल रहे हो तो आवाज़ आनी चाहिए, ताकि एम्पायर भी कहे ये लड़का तो भाई कमाल है, ताकि 10 जगह जाके अलग तारीफ हो। जब यार स्किल उस लेवल की होगी ना कि ऐसी है ही नहीं मार्केट में, ऐसी बहुत कम है मार्केट में, तो कौन रोकेगा आप लोगों को, कोई नहीं रोक सकता। आप ना फ्लो की तरह आगे बढ़ेंगे, उस फ्लो की तरह। आपने देखा ना यार, समुद्र का जो पानी होता है, चाहे वहाँ पे कितनी रेत पड़ी हो, कुछ पड़ी, जो फ्लो के साथ आता है ना, सबको उड़ा के ले जाता है। और ऐसे ही कोई जो प्लेयर होगा ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, वो ऐसे फ्लोइंग तरीके से आगे बढ़ेगा। एक दो साल में ही बच्चे इंडिया खेल जाते हैं, जब चार पाँच साल ज़बरदस्त डे बाई डे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी लेवल के साथ, और सबकी रिस्पेक्ट करते हो आप, चलिए आप अपना लक क्रिएट कीजिए। सब कहते हैं ना यार इसका लक है, उसका लक है, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। अब लक कैसे बनेगा, सुबह उठिए, पेरेंट्स को विश कीजिए, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, सबसे बड़े ईमानदारी से पेश आइए, और सब देखना जब छोटी छोटी विशेष आपको मिलेगी ना, बड़ा काम कर जाएंगी। आप एक बार करके तो देखिए, अपने गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने कोच की रिस्पेक्ट कीजिए, आप लॉयल रहिए, आप अपने काम के प्रति लॉयल रहिए, आप पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, और उसके साथ साथ आपको टेक्निकल चीज़ों पे काम करने को कराने वाला कोई कोच मिल गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, जो भी आपने लेवल डिसाइड किया कि मुझे इंडिया खेलना है। क्योंकि अरे बहुत बड़ा काम नहीं है, खासकर उन बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे ना पागल है, अपने काम के प्रति पागल है, अपने काम के लिए वो सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ काम पर ध्यान है, मतलब वो इतने ये जो होते हैं ना सेक्रीफाइसेस, पार्टीज़ में नहीं जा रहे, बर्थडे पार्टी में नहीं जाना भाई, 20 दोस्त हैं, 20 बर्थडे पार्टी आ गई और पूरा पूरा दिन उसमें वेस्ट कर दिया। 20 दिन पता है कितनी कीमत है उस दिन,
उस बच्चे से पूछो, उस जीनियस से पूछो जो एक दिन के 1 लाख कमा रहा है, एक दिन में उसका, एक दिन में बहुत ज़्यादा वो आउटपुट निकालना चाहता है। विराट कोहली से पूछो यार एक दिन की कीमत क्या है। तो आप अंदाज़ा अगर लगाओगे ना और कैलकुलेट करोगे तो आपको अपनी हर चीज़ पता रहेगी। और वही चीज़ें जब आप सीरियस लोगे ना अपने हर एक मिनट को, हर एक आर को, तो गारंटी है यार आप आउटपुट इतना निकालोगे ना जितने लोग देखते रह जाएंगे, सोच भी नहीं सकते। और वही चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने पे ना नेचुरली मजबूर कर देगी। कोई मतलब कोई मैजिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक वर्क एथिक होता है। और वो है ना तो आप किसी को भी हिला देंगे और अपने आप को आप सुपरस्टार बना लेंगे नेचुरली। अगर आप काम अच्छा करना जानते हैं, काम अच्छा करने के तरीकों को धीरे धीरे सीखते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनते हैं और अडेप्ट करते हैं और अपने काम में ही सिर्फ मन लगाते हैं। अभी ना मैंने कुछ थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने की कोशिश की, बट अब मैं बताता हूँ मेन पॉइंट। अभी जैसे मैंने इनके बारे में स्टार्टिंग में बताया कि आपको भाई रेवोल्यूशंस पे काम करने हैं, आपको ना पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब अगर माइंड के लेवल पे हम सोचते हैं ना कि यार हमें जीनियस प्ले बॉलर बनना है, यार मैं बॉल डाल रहा हूँ ना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरी बॉल जैसे मैं डप्पे पे डाल रहा हूँ इजीली कोई भी बैट्समैन मान रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खींचना चाहिए बॉल, एयर में चलना चाहिए बॉल, ड्रिफ्ट होना चाहिए इतना कि बैट्समैन अगर हल्का सा ही पैर फेंका तो बस खत्म, बैट्समैन हल्का सा पीछे गया पड़ के ऑफ द विकेट इतना तेज कि डंडे पे लगेगा पैड पे लगेगा। इस तरह की अगर क्वालिटी अगर आप सोचेंगे ना तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक दिन में ही मास्टर क्लास बन जाएंगे। आप धीरे 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 उस मुकाम तक पहुंचेंगे जो आपने अपने माइंड में स्टोर कर लिया है, सेव कर लिया है या अपनी डायरी में नोट कर लिया है। क्योंकि जो काम हम सेव करते हैं और जिस काम के हम पीछे पड़ जाते हैं ना कि ये हमें करना है, तो यार वो कर नेचुरली होता है क्योंकि हमारी सोच वैसी है। जब हमारी सोच अच्छी होती है ना, यार मुझे और अपडेट करना है, और अपडेट करना है, और अपडेट करना है, माइंड वैसे ही वर्क करता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी प्लेयर, जितना भी कोई भी एथलीट, वो सोचता है ना, सिर्फ सोच का फ़र्क है कि मुझे ये लेवल अचीव करना है, मुझे इतने सेकंड में इतना भागना है, मुझे इस तरह की बॉलिंग करनी है, मुझे इस तरह का प्लेयर बनना है, मेरे को ये सारे शॉट मारने आने चाहिए। अगर ये एटीट्यूड रहता है ना और आपके अंदर बिलीव है अपने ऊपर, और वो काम भी वही बच्चे करते हैं जिनको बिलीव होता है, और जब बिलीव होता है ना तो आप एग्जीक्यूशन भी बहुत तगड़ा करते हैं क्योंकि आपका माइंड ना ऑटोमेटिकली वैसे ट्रेंड होने लगता है। और यही चीज़ बड़ी बेसिक है लाइफ के अंदर। ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं करना होता यार, जो मैं बेसिक बता रहा हूँ ना यही करना होता है। ये आप रेगुलर प्रोसेस पे करके ऑनेस्ट हैं, आप ईमानदार हैं, तो यू कैन डू एवरीथिंग एंड अचीव एवरीथिंग। और ये सिंपल लॉजिक है। अब एज ए लेफ्ट आर्म है ना, पूरे दिन ऐसे बॉल घुमाइए ना, ऐसे बॉल घुमाइए, ऐसे उंगलियों से आवाज़ आनी चाहिए, फिंगर की लेमन से एक्सरसाइज कीजिए, रिस्ट की एक्सरसाइज कीजिए। आप जब सोचेंगे और आप पूछेंगे और आप करेंगे तो दुनिया आपको पूछेगी, दुनिया आपके बारे में सोचेगी और दुनिया आपको खिलाना चाहेगी। जैसा आप खुद करना चाहते हैं ना, दुनिया आपको हर चीज़ वो देगी, जो भी चाहे सेलेक्टर हो, चाहे कोचिज हो, चाहे कोई भी हो, सब आपकी वैल्यू को समझेंगे और आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक क्रिएट होगी। पहले खुद अपनी वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे बनेगी? डे बाई डे अपडेट योर सेल्फ, डे बाई डे लर्न। अगर आप ये चीज़ सिंपल वे में समझ गए तो आपकी लाइफ ना सिंपल चीज़ों को समझते समझते आप इतने ज़्यादा जीनियस हो जाएंगे, आपका क्रिकेटिंग सेंस इतना बढ़ जाएगा, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कब कैसी बॉलिंग करनी, किस विकेट पे कैसी बॉलिंग करनी है, किस बैट्समैन के आगे क्या करना है, ये बैट्समैन ऐसी शॉट सिलेक्शन कर रहा है, इसके आगे इस तरह की बॉलिंग डालूंगा, इस तरह का लेंथ और लाइन फेंकूंगा, या ये मतलब काफ़ी चीज़ें यार, काफ़ी चीज़ें एक वीडियो में कवर करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कि ये बैट्समैन थोड़ा सॉफ्ट खेल रहा है, थोड़ा कवर्स में हो तो थोड़ा आगे आके इसको रन आउट करने के चांस बनेंगे, ये थोड़ा हाफ चेक मार रहा है, चेक शॉट मार रहा है मिड ऑफ में, 2-4 कदम आगे आ जाऊँ। स्मार्टनेस, क्रिएट योर सेंस, क्रिएट योर क्रिकेटिंग ब्रेन, वो जब भी होगा जब आप सीरियस हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो और डे बाई डे अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। और वही चीज़, वही ध्यान आप लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। और यहीं से आप को कुछ नहीं करना, सारा काम एक नेचुरल प्रोसेस करेगा, एक नेचर करेगा, लोग आपको खिलाएंगे, बुलाएंगे और रिस्पेक्ट देंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू बॉयज़।